on a very important topic. Like, please everyone switch on your cameras. Everyone please switch on your cameras and switch off your mic. Yes, without switching on, I will simply make you all exit. कैमरा आप लोग को ऑन करना पड़ेगा आज के सेशन को अटेंड करने के लिए. सब लोग अपना प्लीज मेरा कंप्यूटर में चार्ज नहीं था बोल के वो बंद हो गया था. या सो प्लीज एवरीवन बिफोर स्टार्टिंग स्विच ऑन योर कैमरास, वरना आज मैं जो लोग भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे मैं वो लोग को बाहर निकाल दूंगा. सो सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे. अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं. Just wait for 1 minute. हाँ ठीक है, जिसका नेटवर्क इश्यू है समझ में आता है, बट प्लीज आप लोग सब एक इंटरेक्शन चल रहे, तो आप लोग सबको भी अपना कैमरा ऑन करना चाहिए. या सो मतलब मेनी पीपल आर, सबसे पहले जो लोग का भी हो गया A big big congratulations to all of you. जो लोग भी unfortunately clear नहीं कर पाए हैं, अब उन लोग के मन में एक थोड़ा बहुत डर टाइप का बैठ गया है कि अब हम लोग आगे कैसे करेंगे. friends का तो clear हो गया है, मेरा तो clear नहीं हुआ है. तो ये सब thoughts मन में आते ही रहते हैं, चाहे कितना भी stop करेंगे ये सब thoughts आपके मन में आते ही रहेंगे. अब जो लोग का क्लियर हो गया वो लोग को हल्का कॉन्फिडेंस लग रहा है कोर्स में, अपने ऊपर में, टीचर के ऊपर में, कि हाँ अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में दो पेपर अपियर कर सकते हैं. तो आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करिए. जैसे जनरली व्हाट आर माय रिकमेंडेशंस इज, अगर आप लोग ने इस टर्म पेपर्स क्लियर किया है, कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोग को दो बड़ा पेपर एक संग करने बोलेंगे. सो एज फार एज आई नो, अगर आप लोग नेक्स्ट टर्म में दो पेपर अपियर कर रहे हैं, तो देर आर टू सेट्स ऑफ पर्सन सिटिंग हेयर. एक ईजी और एक डिफिकल्ट पेपर है. बाय डिफिकल्ट आई मीन CMCS एंड बाई ईजी आई मीन CB सीरीज. And next set of people is those who have flunked in one of the difficult papers. For example, if I have flunked in CM1, so sir has suggested कि आप CM1 के संग में CS1 भी दीजिए. Next time you need to appear for both papers. So अगर देखा जाए तो ultimately आप लोगों को सिर्फ एक ही नया paper के लिए पढ़ना पड़ रहा है. Talking about the set of persons, those who are giving two big papers in the next attempt. Okay, तो आप लोगों को एक बड़ा paper पढ़ना पड़ रहा है. एंड जो बड़ा पेपर, लाइक हाउ डू आई प्लान दिस स्टफ इज, एक जो बड़ा पेपर है उसको रिविजन करना एंड एक छोटा पेपर के लिए पढ़ाई करना इज ऑलमोस्ट सेम. मैं इस तरीके से रिकमेंडेशंस देता हूं. उसके अलावा लाइक देर आर पर्सन फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स और दोज हु आर पर्सन दोज आर वर्किंग, तो अकॉर्डिंगली वी गिव देम द सजेशंस. बट यस, आज हम लोग सबको सुनेंगे. पहले मैं 5 मिनट थोड़ा बोल देता हूँ, फिर आज हम लोग सबको सुनेंगे कि क्या आप लोग का feelings and then accordingly we'll suggest papers and we'll tell you how to go about how to manage and balance two papers. Okay, तो आप लोग भी सुनना ताकि आप लोग को भी लगे कि how we can take some inputs, how people are planning their studies and everything. तो अगर सबसे पहला बात, आपको अगर दो पेपर देना है तो पढ़ लेना कोई बड़ा चीज नहीं है. पढ़ लेने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने वीडियो सारे देख लिए. जैसे जनरली हम लोग का क्या रहता है, जब हम लोग वीडियो से, why do we take coaching? कोचिंग लेने का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट क्या है कि
अगर हम लोग कोचिंग ले लेते हैं तो हम लोग को एक मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू कवर, एंड इससे हम लोग का हर चीज अच्छे से कवर हो जाएगा। आप लोग ने देखा होगा व्हाइल वॉचिंग द वीडियोज वी जनरली स्टडी मोर, वी जनरली स्टडी मोर मतलब जब हम लोग को वीडियोज देखना होता है तो हम लोग एक दिन में 3 वीडियोज भी देख लेते हैं। 3 वीडियोज का मतलब क्या हुआ, 6 घंटा पढ़ना कोई बड़ा चीज नहीं लगता बिकॉज सामने कोई बोल रहा है मेरे को सुनना है। बट वेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी, 6 घंटा खुद से किताब लेके सम सॉल्व करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई होप सो ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस, इवन आई हैव स्टडीड। सो टेकिंग कोचिंग इट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर इन अ बेटर मैनर। उसका सिर्फ यही मकसद है कि मान लो आप एक दिन अगर पूरा खाली हो तो आप अगर उसमें 4-5 वीडियोस भी देख लो तो भी कोई बड़ा चीज नहीं है। नाउ हाउ टू बैलेंस, मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 2 पेपर दे रहे हैं तो हम लोग का मन में मेंटालिटी ऐसा चलता है कि एक जो मेंटालिटी हम लोग को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर CM1 और CB1 दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ये रहता है कि भाई CM1 तो बड़ा पेपर है उसको मेरे को एकदम अच्छे से करना है, CB1 मैं पढ़ लूंगा एंड उसको दे दूंगा, या तो करो या फिर मत करो। ऐसे इस तरीके से मत करो कि हाँ उसको पढ़ लेते हैं देख लेते हैं होगा तो ठीक है। यू शुड फ्रॉम डे वन बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच कि यस, अभी से मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने कभी किसी को गलत रिकमेंडेशन नहीं दिया, जिसको भी दिया देख के बहुत देख, एंड इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मेरा सजेशन कभी आप लोग के लिए वर्कआउट नहीं करता तो ये गलती आपके एंड से आ रहा है, आपने उतना इनपुट नहीं दिया है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आज जैसे मान लो यहाँ पर मुस्कान बैठी है, मुस्कान अग्रवाल है, शी हैज ऑलरेडी डन हर ग्रेजुएशन, दैट इज व्हाई आई हैव सजेस्टेड हर CM1 एंड CS1 बिकॉज ही डजंट, उसको अभी कॉलेज भी नहीं है, उसका पूरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो चुका है, एंड नाउ शी हैड अ लॉट ऑफ टाइम द डे व्हेन शी टुक एडमिशन, अराउंड 8 मंथ्स ऑफ टाइम था। कोई भी एक बड़ा पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को 2.5 महीने के आसपास का टाइम चाहिए होता है, एंड कोई भी एक छोटा पेपर को प्रिपेयर करने के लिए महीना से 1.5 महीने का ही टाइम चाहिए होता है, एंड इसके लिए हार्डली आप लोग को 3 घंटा हर रोज देना होता है। 3 आवर्स एवरी डे इज मोर देन इनफ। सो सबसे पहला बात, अगर आप लोग को देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत लोग है जो लोग मान लो CS1 में फेल हो गए, अब नेक्स्ट टाइम वो लोग प्लान करें कि CS1 तो देना ही है एंड उसके संग में हमको CM2 भी देना है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके का प्लानिंग कर रहा है या कोई भी दो बड़ा पेपर प्लानिंग कर रहा है, तो पहला बात तो डरिए मत, डरने से तो आप लोग का आधा तो वहीं पर खेला खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग डर जाएंगे पहले ही कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या होगा अगर फेल हो जाएंगे, तो एक ही देते हैं दोनों, एक चेंज इंसान के माइंड को चाहिए होता है। अगर मान लो मैं CS1 फेल हो गया, मैं दोबारा से CS1 का ही पढ़ाई करूं तो डेफिनेटली विल नॉट गिव दैट काइंड ऑफ इनपुट। जब पढ़ने तो लगेगा सब कुछ आता है बट एग्जाम में वो चीज नहीं वर्कआउट करता है, तो इंसान को हल्का एक चेंज चाहिए होता है, इसलिए वो एक नया पेपर में एडमिशन लेता है जनरली कि हाँ भाई मेरे को एक नया पेपर मिलेगा उसके संग में पुराना वाला भी पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। सो दिस फीलिंग शुड नॉट बी देयर इन योर माइंड कि मेरे को यार एक पेपर को अच्छा से करना और एक पेपर को देखेंगे जो होगा, एग्जाम में बैठ तो जाएंगे, पास होंगे या फिर फेल होंगे देखा जाएगा, ऐसा अपने मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ने एडमिशन लिया है तो पहला बात अभी ये टाइम है डिसाइड करने का कि हाँ भाई देना है तो दोनों देना है वरना फिर एक में ही हम खुश है। तो ये क्योंकि वॉट यू आर डूइंग इज आप पढ़ ले रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो इन दैट पेपर एंड अल्टीमेटली यू आर नॉट गिविंग दैट पेपर बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, सो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। उसके बाद में दोनों को इक्वली पढ़ना है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग CM1 जो पेपर है उसमें ए और बी दोनों है, तो वॉट मेनी पीपल दे डू इज CM1 पढ़ रहे तो पहले थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे फिर एक्सेल कवर करेंगे, दिस इज नॉट द अप्रोच। आपको उसको साइड बाय साइड जैसे लेके, जो वही बच्चा पास होता है CM CS में जो दोनों को एक साथ लेके चलता है, जो एक्सेल भी संग संग कर रहा है और जो आपका थियोरी भी संग संग कर रहा है। अब जो दो पेपर दे रहे हैं उनका देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोच, मैं बताता हूं। मैंने दोनों अप्रोच फॉलो किया है एंड दोनों प्रोसेस बहुत सही भी है। क्या होता है, एक अप्रोच है फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक पेपर ले रहा हूँ CB1, तो CB1 मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, एकदम उसको एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लिया, सारे सम सॉल्व कर लिए, उसके बाद में दूसरे पेपर को पढ़ाई कर रहा हूं, कोई गलती नहीं है इसमें। बिकॉज बहुत लोग का माइंडसेट वैसे वर्क नहीं कर पाता है, अगर 4 घंटा टाइम अलॉटेड है पढ़ने के लिए तो सब लोग का माइंडसेट वैसे वर्क नहीं कर पाता है कि 2 घंटा CM1 को दिया 2 घंटा CB को दिया, इस तरीके से बहुत लोग का माइंडसेट वर्क नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस। इफ आई एम डूइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इट टेक्स मी 4-4.5 आवर्स तो वो दिन पूरा उसी में लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली मैं जब ऐसे बोलता हूँ कि आपको हर रोज दोनों पेपर को पढ़ना है तो हर रोज दोनों पेपर बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, वो लोग का माइंडसेट वैसे वर्क नहीं कर पाता है। तो देर इज नो हार्म कि आप लोग पहले पूरा एक पेपर कवर कर रहे हैं उसके बाद आप लोग दूसरे में जा रहे हैं, कोई हार्म नहीं है। मेरे फ्रेंड ने यही सेम अप्रोच फॉलो करके उसने रैंक लिया, माइंडसेट वैसे ट्रेंड है,
दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आप लोग हर रोज पढ़ो, दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा पेपर है और एक छोटा पेपर है, तो यू नो हाउ मच टाइम टू अलॉट। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मेजर पेपर है तो उसमें 200 आवर्स का है, एक छोटा पेपर है उसमें 100 आवर्स का है, तो अकॉर्डिंगली आपको दोनों को प्रिपेयर करना है। टेक फ्यू ब्रेक्स, हैव अ डे आउट, मतलब जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ो, हैव अ डे फॉर रिविजन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नीड टू बैलेंस इट आउट विथ योर कॉलेज, बिकॉज आज कॉलेज है कल जॉब होगा। आज कॉलेज है कल जॉब होगा, एंड द पर्सन्स दोज हु आर डूइंग रियली वेल इन कॉर्पोरेट, बाय वेल आई मीन वो लोग आज भी पेपर्स क्लियर कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो लोग ने इस चीज को समझा कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। माने अगर मान लो 8 घंटा है, 8 घंटा तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन किताब लेके ही बैठना है, ऐसा कोई वो नहीं है। वीडियोस देखा, 2 घंटा रिविजन किया, दैट्स इट। तो आप लोग ऐसा सोच रहे कि हम लोग पूरा पूरा दिन पढ़ लेंगे। एक बात बताना, मान लो कोई बच्चा अगर CM1 में फेल हो जाता है, टाइमिंग का बात बता रहे कि टाइम टाइम कितना इंपॉर्टेंट मैटर। कोई बच्चा अगर CM1 में फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम तो उसको रैंक लाना चाहिए, बिकॉज उसको तो 6 महीना और है। ऐसा हार्डली हम लोग बहुत देखते हैं, मतलब हार्डली ऐसा केसेस आता है कि मान लो एक बार कोई बच्चा फेल हो जा रहा है कोई पेपर में तो नेक्स्ट टाइम उसका रैंक आ रहा है। होता है, बहुत लोग लाते भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऐसा नहीं होता है। अब एक समझ में आ रहा है ये चीज कि मान लो कोई बच्चा अगर CA का एग्जाम दे रहा है, CA के एग्जाम में वह फेल हो गया, अगर ज्यादा देर पढ़ने से ही हो जाता तो फिर नेक्स्ट टाइम तो उस बच्चा का रैंक आना चाहिए। ऐसा होता नहीं, वो बच्चा फिर से फेल करता है, बिकॉज गलती अप्रोच में आ रहा है। गलती बच्चे के अंदर नहीं है, कोर्स के अंदर नहीं, टीचर के अंदर, गलती अप्रोच में आ रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है। जब पढ़ रहा है तो बिना बिना दिमाग के पढ़ रहा है, फोन लेके पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होता है। आज अगर हम लोग 6 घंटा पढ़ने बैठे तो उसमें 4 ही घंटा हम लोग का पढ़ाई होता है, ये आप लोग मेरे से ले लीजिए। आप लोग के पास में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं आप लोग के पास में, जब मन के, तो ऐसे नहीं होता। आप लोग को पता है आप लोगों का कॉलेज का टाइम क्या है। जो मान लो बच्चा BCom मॉर्निंग में पढ़ रहा है, उसको पता है उसका 10 से 11 बजे तक कॉलेज है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या पता है आप लोग का, मतलब आप लोग मेहनत उतना ही ले कर रहे हैं, प्रेशर उतना ही ले रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट आप लोग को नहीं मिल रहा। कितने लोग को ये फील होता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम गिविंग द डिजायर्ड इनपुट्स, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ आउटपुट। प्लीज रेज अ हैंड, देयर इज अ फीचर ऑफ रेजिंग हैंड, आई जस्ट वांट नीड टू नो योर। मैं बहुत लोग को देखता हूं, भैया इतना पढ़ाई किया लेकिन मेरा वो मार्क्स नहीं उठ पा रहा है। हाउ मेनी फील दैट यू आर गिविंग द डिजायर्ड इनपुट्स बट मेरे को वो आउटपुट नहीं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल टू स्टडी। आज मान लो क्या होता है, बाहर से थक के आ रहे हैं, एक छोटा सा बात बता रहे, बाहर से थक के आ रहे हैं, पता है माइंड उतना नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी डर है, तुरंत पढ़ने बैठ जा रहे। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, आधा एक घंटा थोड़ा सोएगा, बिकॉज फ्रेश माइंड में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, फ्रेश माइंड में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जो बच्चे ऑफिस जा रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस का पूरा दिन चिक 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 लेके घर में आके पढ़ने बैठते हैं, और फिर गुस्सा आता है मेरे पे, सब गुस्सा, सब गलती तो मेरा ही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होता है। एक 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 प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, नॉट बी वेरी रिजिड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को इतना दिन में इतना कवर करना है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक स्टडी का एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मेरा क्या था, तुम लोग को जानना है मेरा क्या शेड्यूल था कॉलेज के टाइम पे। मैं सुबह 6 से 8 कॉलेज जाता था, हम लोग का BCom मॉर्निंग में ब्रेक होता था 8 बजे का, 6 से 8 कॉलेज जाता था। मैं लास्ट के 2 पीरियड्स 72 टाइम अटेंड नहीं करता था कॉलेज के, बिकॉज मेरे को 8:30 बजे से मेरे क्लासेस होते थे, मेरे को पढ़ाना पड़ता था, तो आधा घंटा मैं भाग के जाता था पढ़ाने, 8:30 से 10:30 पढ़ाया, उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, 11 बजे मेरे को ऑफिस जाना होता था, 11 से 8, 9, 8 वॉज द टाइम नॉर्मली। उसके बाद में भी घर में आया, मान लो 9 बजे तक घर आया, 9, 9:30 बजे तक, 2 घंटा आई यूज टू स्लीप, 2 घंटा आई यूज टू स्लीप, एंड सोने के बाद में 11 से 2। This, मैंने ये मेरे को पता है, मैं पूरा दिन कुछ भी करूं, एंड आई हैव क्लियर मल्टीपल पेपर्स, लाइक CT6 एंड CT4 मैंने क्लियर किया, मैंने 1 एंड 3 क्लियर किया, मैंने CT8 इंडिया से क्लियर किया, एंड आई हार्डली स्टडीड फॉर 2 मंथ्स। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं बहुत एवरेज हूँ, आप लोग मेरे मार्क्स देखोगे मैं बहुत एवरेज हूँ, लेकिन वो जो था ना, कुछ भी हो जाए रात में 11 से 2 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, बिकॉज आई हैड अ फ्रेश माइंड, 2 घंटा सोया उसके बाद माइंड पूरा फ्रेश था। अब मान लो कोई दिन क्या हो रहा है कि लेट हो जा रहा ऑफिस से आते आते, लेकिन वो रेगुलर स्टडीज का हैबिट को मेरे को नहीं छोड़ना है रेगुलर। अब मैं फिर एक ही बात बोल रहा हूँ, फ्लो का बात बोल रहा हूँ, तुम
तुम लोग पढ़ाई पता है क्यों छोड़ देते हो बीच बीच में? तुम लोग को डर लगने लग जाता है अंदर में। डर क्या लगता है? फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दो पेपर दे रहे हैं तो दोनों पेपर देने से हम लोग का दोनों पेपर फेल, यही तो सबसे बड़ा डर है। ये तो सिर्फ डर क्या है कि दोनों पेपर देंगे दोनों में फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनसे पूछिए जिन्होंने एक बार क्लियर, एक बार का डर है ये। जब एक बार आपका दो पेपर क्लियर होगा ना, उसके बाद आप लोग हर टाइम चाहेंगे। नशा है ना, नशा है एक चीज का कि हाँ भाई अब मेरा, अब मेरे को पता, हाउ टू बैलेंस थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुमको सामने सामने दिख रहा है कि तुम्हारा CB1 का प्रिपरेशन इज गोइंग वीक, यू हैव द टाइम बट स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग फॉर द पेपर, दिस इज बैड। तुम टाइम वेस्ट कर रहे ये सोचने में कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग फॉर द पेपर। और जो स्मार्ट होता है वो क्या करता है, एकदम अच्छे से वो अपना पूरा पढ़ाई कर लेता है, मतलब उसको जितना भी टाइम दोगे ना उसमें वो। तो एक टाइम स्लॉट था। अब एक और शेड्यूल में क्या फॉलो करता था, ऑफिस से आया मान लो 9:30, कोई दिन लेट हो गया, खाना खाया अपना थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट किया एंड फिर पढ़ने बैठा, 2 बजे तक पढ़ा मान लो, और 2 बजे नहा धो के जूता मोजा पहन के सो गया क्योंकि मेरे को सुबह 5 बजे कॉलेज के लिए निकलना होता था। दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड, दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड। अभी तुम लोग अपने मन में ये सोच लो कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत वो हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, कॉलेज भी है, ये भी है, वो भी है, देन दिस इज नॉट द स्टोरी। गो एंड डू सम इजी कोर्स। देर आर 13 पेपर, सोच के देखो अगर एक एक करके देंगे तो इट विल टेक यू 7 ईयर्स टू कंप्लीट द कोर्स, बट देर आर पीपल दोज आर क्लियरिंग एट द एज ऑफ 23। एंड अलॉन्ग, अगर मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आज कॉलेज के संग में तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो ऑफिस के संग तुम लोग बहुत स्ट्रगल करोगे। सुबह 10 से लेके 8 तक तो ऑफिस रहेगा, तो कब पढ़ोगे, पहले या फिर बाद कब पढ़ोगे, समझ पा रहे? अभी कॉलेज तो आधा टाइम के लिए हो रहा है तब तुम लोग को इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसीलिए तुम लोग को सबसे पहला बात ये समझना पड़ेगा कि किस पेपर के लिए कितना पढ़ना है, ठीक है? माने बहुत बच्चे लोग क्या बोलते हैं, CM1 कर रहे हैं तो CS1 छूट जा रहा है, एक पेपर करे तो दूसरा पेपर छूट जा रहा है। थोड़ा हल्का अपने आप को वैसा ट्रेन करो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग CM1 के लिए पढ़ रहे हो, CM1 के लिए पढ़ रहे हो एंड दूसरा पेपर है CS1। हो सकता है कि तुम लोग 1 वीक CM1 पढ़ लिए, तो ऑब्वियस सा बात है जब तुम कोई एक पेपर को एक हफ्ता नहीं पढ़ेगा तो उसका फ्लो हल्का छूटेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक तुम जब किताब लेके बैठेगा ना तुमको ऑटोमेटिक वो चीज आने लगेगा, क्योंकि तुमने पहले एक बार उसको किया है ना आगे का, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम लेके बैठेगा तुमको ऑटोमेटिकली चीजें याद आने लगेंगी, ठीक है? तो हो सकता है तुम लोग के लिए जो शेड्यूल कंफर्टेबल है, हाँ सर हम एक हफ्ता CM1 पढ़ेंगे एक हफ्ता CS1 पढ़ेंगे वो भी ठीक है, हम दो दो दिन करके पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को जो शेड्यूल में सक्सेस मिला आया आज तक उसी को फॉलो करो। देर इज नो ऐसा शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो टू क्लियर 2 पेपर्स, बट द बेस्ट थिंग इज टू बैलेंस आउट। माने जो इंसान ये सोच लेगा कि हम एक को मेन फोकस, जैसे मैंने जनरली देखा है वाइल गिविंग माई CA, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे वर लाइक कि CA के फाइनल का में कि हम लोग ग्रुप 1 पे फोकस करेंगे और ग्रुप 2 का एग्जाम में बैठ जाएंगे। ये चीज कभी मत करना, क्या फायदा होगा उससे, कुछ फायदा नहीं होगा। तो तुम लोग को पढ़ना है तो दोनों पेपर के लिए एकदम बैलेंस आउट करके पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग को पता है यार, तुम लोग सिलेबस देख चुके हो कि मेरे को हाँ इतना इनपुट देना है, ठीक है? सो एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो दो मेजर पेपर्स दे रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम तो एक ही नया पेपर पढ़ रहे हैं, हमको तो खाली एक को रिवीजन करना है, ठीक है? तो ये चीज है। नाउ दोज हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अंदर में वो लोग के कुछ है कि हाँ वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है दो पेपर बैलेंस करने में, या फिर वो लोग कंफ्यूज है कि वो लोग को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं एक एक को लाइक माइक ऑन करके बोलने बोलूंगा, ठीक है? एंड देन आई विल एड्रेस द क्वेरी। हाँ या अनिशा, अनिशा मेहतानी बोलो। और सर हम अभी CM2 और CS2 के लिए पढ़ना चाहते हैं, और CM2 आई अप्योर फॉर दिस टाइम, बट आई एम गोइंग टू चेक आउट द एग्जामिनर्स रिपोर्ट। मुझे देखना है कि मेरे एरर्स कहाँ कहाँ हुए हैं, और ताकि वीक एरियाज पता चल जाए एक बार, तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। और CS2 ब्रांड न्यू है तो वो स्टार्टिंग से करना है, तो मतलब CS2 तो मैम जैसे जैसे करा रही है वैसे वैसे तुम करो, ठीक है? तो पूरा जैसे हम लोग करा रहे हैं उस तरीके से करो, एंड आर भी संग संग करो, ठीक है? एंड सिंस तुम्हारा अभी कोई कॉलेज भी नहीं है, तुमको थोड़ा अपना बस खाली इंटरव्यू प्रेप पे फोकस करना है, उसके लिए यू कैन मेक आउट एवरीडे लिटिल बिट ऑफ 1-1.5 आवर्स इज फाइन। एंड उसके संग में तुम लाइक CS2 को आई थिंक 60-65% ऑफ द टाइम दो,
ठीक है, बिकॉज सीएम टू अभी तुमने रिसेंट में ही पढ़ाई किया, तो तुम सीएम टू को लाइक आई डोंट थिंक कि अभी सीएम टू पढ़ो, सीएम टू तुम एक महीना बाद से भी पढ़ना चालू करेगा तो भी ठीक है, और इस एक महीना में ट्राई करो कि जितना से सीएस टू का पोर्शंस कवर हो पाए तुम उतना कर लो। ट्राई टू कंप्लीट बोथ द पेपर्स का एक बार, लाइक सीएस टू पूरा एक बार एंड सीएम टू पूरा एक बार बाय फेब मिड। ओके, तब फिर क्या होगा, यू कैन अपियर फॉर मॉक्स एंड गिव मोर एंड मोर मॉक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स। ठीक है, जो लोग भी कोई एक पेपर में फ्लंक कर गए हैं वो लोग के लिए बता रहा हूं, डोंट स्टार्ट विथ एकदम बेसिक चैप्टर, स्टार्ट विथ द टॉपिक जिसमें तुमको डाउट है। अपने आप को इतना पैम्पर मत करिए कि हम एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना अच्छे से, वैसे नहीं होता है। आपको पता है आपको कहाँ कहाँ गलती हुआ है, आपको क्या वीक एरिया, सीधा वहीं से पढ़ना चालू कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल सीएम टू में अगर किसी को पढ़ना, कोई यहां पर है जो सीएम टू फेल कर गया है, उसको कहां से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ब्राउनियन वाला पार्ट से, ब्राउनियन मोशन वगैरह कवर करेगा, ऑप्शंस का पार्ट कवर करेगा, जो डिफिकल्ट एरियाज है वो सबको पहले एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। 12 12 मॉक पेपर्स दे रहे हैं और कितना देंगे, 6 6 मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो, कहीं पर एमएस वर्ड में डिफिकल्टी हो रही है तो एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करो। आई विल शेयर द लिंक्स ऑन हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन एमएस वर्ड, नाउ इज द टाइम दैट यू आर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन एमएस वर्ड आल्सो, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियोस, सो डोंट वरी। ओके, आज ही ग्रुप में मैं डाल दूंगा, बिकॉज अब टाइम आ गया, आप लोग धीरे धीरे करके अपना आधा आधा घंटा एक एक घंटा निकाल के एमएस वर्ड पे भी प्रैक्टिस करो। यस, नेक्स्ट ईशान गुप्ता। मैंने लाइक टारगेट सेट कर रखा है कि मैं सीएम टू 31 जनवरी तक कंप्लीट कर दूंगा, जिससे सीएस टू शुरू करूं, क्योंकि मैं एक एक सब्जेक्ट में न्यू है आपके लिए कि आपने फ्लंक किया है? न्यू है। आई डोंट थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग। आपका कौन कौन सा पेपर्स क्लियर हो गया है? मेरा CM1, CS1, CB1, CB2। और आप जॉब भी कर रहे हो ना आई गेस? नहीं, मतलब मेरा कॉलेज भी अभी कॉरेस्पॉन्डेंस है, लाइक अभी मेरा 3rd ईयर का मई में है, तो मैं सिर्फ सिर्फ मुझे यही पढ़ना है पूरे दिन। कॉलेज के लिए आपका कोई वो नहीं है जाना, मैंने अटेंड नहीं करना पड़ता है कॉलेज वगैरह? नहीं, मुझे कोई जाने का नहीं है, बस अच्छा, मई में पेपर देना है। तो हाउ मेनी आवर्स आर यू स्टडिंग राइट नाउ? सर कल तो मैंने लाइक मतलब 3 क्लासेस देखी थी और ओ शिट। ओके, तो वील कम बैक टू ईशान, नो प्रॉब्लम। वरुण मोहता बोलो। और भी अगर किसी को कोई भी चीज लग रहा है तो जैसे तुम लोग मैसेज करते हो तो तुम लोग यहां पर अभी हैंड रेस करके रखो, मैं एक एक करके आऊंगा, सब लोग अपना हैंड रेस करके रखना। हाँ वरुण मोहता बोलो। राशि, राशि सिंघी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ आवाज आ बोलो। रही है? हाँ बोलो बोलो, आ रहा। तो सर जैसे मेरा प्लान था पहले CS2 एंड CV2, बट मेरा अभी तक CV2 का भी इतना भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं CS2 करूँ, एंड प्लस ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत न्यू है एंड आई डोंट नो कि क्या सीबीटी करना कितने मुझे। चैप्टर्स कर लिए अभी तक? सर अभी मैं चैप्टर 8 तक कर ली हूँ, बट फिर सर वो बहुत पहले किया था, तो अभी मैं मैम के साथ जैसे रीस्टार्ट की हूँ, जैसे मैम अपना क्लासेस करती है तो वो मैंने वापस रीस्टार्ट किया है। हाँ, तो यू स्टिक टू CB2 ओनली फॉर दिस अटेम्प्ट। आफ्टर लाइक ईयर और सो यू हैव क्लियर्ड 1 पेपर एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट स्ट्रीक। सो इफ यू गो विथ ओनली CB2 फॉर दिस अटेम्प्ट विल बी फाइन, बिकॉज यू आर हैविंग योर जॉब एंड सिंस इट इज न्यू तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो कंटिन्यू विथ CB2 ओनली फॉर दिस अटेम्प्ट। एंड इन केस इफ यू फील दैट यू हैव कंप्लीटेड योर CB2 बाय मे बी फेब एंड, ओके, एंड उसके बाद तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग धीरे धीरे करके फॉर CS2, बट डोंट गिव इट इन दिस अटेम्प्ट। मैंने प्लान अपना वैसे ही करो कि इस टाइम तुमको CB2 देके उसको अच्छे से क्लियर करना है, एंड सिंस करेंटली तुम अभी नॉन एक्चुरल रोल में वर्क कर रहे हैं, तो
तो तुमको उसमें भी वर्क करना चाहिए फॉर फाइंडिंग न्यू एवेन्यूज वेर यू कैन वर्क इन कोर एक्चुअल जॉब. सो इट शुड बी सीबी टू प्लस फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड योर करेंट ऑफिस. इट शुड बी समथिंग लाइक दैट. एंड सर एक और चीज आपको बताना था मेरे को, जैसे पर्सनल में मैं सिर्फ आपसे बात नहीं हो पाया, तो सर जैसे आई हैव आल्सो बीन अप्रोच्ड बाय अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड एक्चुअली, एंड उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग जॉब भी ऑफर किया है इन एन एक्चुअरियल सेक्टर. शी इज एस्टैब्लिश्ड इन यूके लंदन एंड ऑल, सो वो अब इंडिया में उन लोग अपने एक्सटेंड कर रहे हैं, सो शी वॉन्टेड हेल्प योर ऑल्सो. सो सर अब क्या करना चाहिए मुझे? I will check the credibility of the person and then I will let you know, because the person should be credible, na? ऐसे तो किसी के संग नहीं कर सकते. नहीं नहीं, she is a known person and she is credible. जैसे पहले भी मेरा उनसे बहुत बात हुआ है, not about her credibility or anything. So sir, I was just saying कि कैसे फिर plan करना चाहिए, क्योंकि मेरा aim तो है that I want to clear papers as soon as possible. But I'm still confused. Then you need to leave one job na, because papers तो clear करना उसमें time लगेगा, और उसके संग दो job manage करना will be very difficult. तो वो तो तुमको बस वही बात है ना कि उसका एक बार हमको details send कर दो. दो चीजें हम चेक कर लेंगे कि कितना टाइम कमिटमेंट करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम तुमको बता पाएगा. ओके सर, आई विल डिस्कस दिस ऑन द पर्सनल कॉल विद यू. हां हां, थैंक यू सर. यस पूजा, पूजा भैया मेरा CS2 इस बार क्लियर नहीं हुआ. And like अभी CM2 देना है, so अभी हम classes देख लिया portfolio तक. अच्छा. Booklet हम बस एक ही की है, मतलब वो भी पूरा नहीं हुआ, like बस start. तुम एक काम करो, तुम जैन मिड तक खाली CM2 करो, मतलब आज से पूरा एक महीना में तुम अगर एक दिन में दो lecture करके देखता है, ठीक है मेरा बात को ले लेना, एक दिन में दो lecture मतलब 4 घंटा. अगर तुम एक दिन में 4 घंटा मेरे को देखता है, तो तुम्हारा जनवरी मिड तक, टुडेज 20th ना, तो जनवरी 20th तक तुम्हारा CM2 पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, 4 घंटा आई डोंट थिंक सो निकालना उतना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अभी तुम्हारे हॉलीडेज वगैरह काफी चल रहे हैं, और तुम्हारा कॉलेज एग्जाम्स भी आई गेस कल ही एंड हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बस सेमेस्टर 5 कॉलेज एग्जाम्स इज नॉट एन इशू. हाँ, तो वो क्या है कि तुम आराम से प्लान कर सकती हो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग CS2 फ्रॉम फेब्रुवरी, because I guess you have missed CS2 for by very small marks, and ye wala attempt ko bahut acche se mehnat kar lo, because agar tum ye attempt mein mehnat kar leta hai to fir tumhara job bhi lag jayega, and dekho is attempt ka jo result hai na wo tumhara june tak aa jayega, july mid tak aa jayega, to tumhara CM2 bhi rahega, CS2 bhi rahega, and tumhare sare major papers rahenge, to it will be a good opportunity to apply for job. To isliye you can go for it, but you should be working very hard. तो पहले अभी पूरा CM2 एक बार खत्म कर लो, एंड देन दोनों को संग संग लेके चलना फ्रॉम फेब्रुअरी. ठीक है. हाँ ईशान, आर यू फाइन नाउ? कैन वी कम बैक टू यू ईशान? हाँ जी सर, हाँ जी सर. हाँ बोलो, बोलो. हाँ तो सर वो एक्चुअली लाइक मेरे पास अभी बस मुझे CM2 ही पढ़ना है पूरे दिन, मेरे पास लाइक और कुछ नहीं अभी. मैं जैसे कल, आपका सोचना बहुत अच्छा है, बट पहले आप मेरे को अपना परफॉर्मेंस दिखाइए CM2 में, उसके बाद नहीं. लाइक व्हाट आई फील इज, आप CM2 में जब एकदम कॉन्फिडेंट हो, लाइक हम लोग मॉक पेपर सारे शेयर कर देंगे जनवरी मिड, या फिर मैं 6 मॉक पेपर्स तो जनवरी में शेयर कर दूंगा, और 6 मॉक पेपर्स जो नए वाले वो फरवरी में शेयर करूंगा. तो आप पहले 6 मॉक पेपर्स वर्ड में पूरा अच्छे से करके देख लेना, ठीक है? एंड इफ यू फील दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली पास इन CM2, देन यू टेक अप द पेपर ऑफ CS2, बिकॉज डूइंग CS2 इन 2 मंथ्स विल बी अ रिस्की थिंग. ओके, तो you're planning really good, that you don't, I can understand you're not having anything and you can manage it, that is all fine, and there is a lot of gap also in both the exams, but yeah. The main part is CS2. So aapne CT3 clear kiya hai na, CS1 clear kiya hai? CT3. So that is also a big roadblock in your way. But you need to study R, and CS2R is really, yes, sir. So what we can do is, if you can, like अभी आपको admission लिए सिर्फ 1 week हुआ है, तो if you can show me that yes, I am able to complete CM2 in 1.5 months, then definitely you can do CS2 also in 2 months.
सो योर पास्ट विल रिफ्लेक्ट योर फ्यूचर ना, कि आप किस तरीके से CM2 में कर रहे हो. तो सर अगर मैंने मतलब जैसे सोच रखा 31 जनवरी, हाँ अगर 31 कर लिया मॉक देते हो एंड उसमें आप इजीली लाइक 70 के आसपास भी स्कोर करते हो देन डेफिनेटली इट्स अ यस फॉर यू. ओके सर. तो सर फिर लाइक मुझे यही लग रहा था कि अगर मैंने CS2 ज्वाइन करा और फिर मैं CM2 भूलने लग गया, क्योंकि फिर तो कह रहे हैं उसमें टाइम देना पड़ेगा ना. नहीं हाँ, आपने जैसे बोला है कि आपका पूरा दिन खाली है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अगर जनवरी एंड तक CM2 खत्म कर लेते हैं, टेक अ 15 डे ब्रेक फ्रॉम CM2 लाइक टिल फेब मिड एंड डू CS2 इन फुल स्विंग. And from 15th, you need to balance your CM2 like every day 2 hours to CM2, and the rest of the day you can give to CS2. Sir, like जैसे मैं अभी कहते हैं जो classes देख रहा हूँ, हाँ, तो मैं like जब मैं practice करता हूँ तो मैं word पे करूँ या फिर register पे करूँ? नहीं, अभी आप थोड़ा पहले copy में करो, ठीक है? And आपको like word कोई issue नहीं आएगा, word is never a problem. ठीक है, हाँ जी. या पहले थोड़ा कॉपी में करके अपना सिलेबस कवर कीजिए. ओके, तो सर एक्सेल के कोर्स, एक्सेल के भी वीडियोस देखो मैं साइड में. एक्सेल के भी संग संग आपको करना है, एक्सेल के भी संग संग आपको करना है. ओके, थैंक यू सर. निहारिका. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. इस बार CS1 और CB1 का देना है एंड तो बस थोड़ा शेड्यूल के साथ हेल्प चाहिए, बिकॉज एक दिन में आई थिंक फोर आवर्स से ज्यादा लाइक आई डोंट हैव, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को. वीकेंड्स आई हैव द होल डे. है ना, तुम्हारा जॉब भी है. तो व्हाट यू कैन डू इज तुम वन वीक करके करो, बिकॉज वो थोड़ा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए. लाइक ऐसे तुम प्लान करो कि एक वीक, लाइक एक वीक या फिर मान लो CS1 है, ठीक है? तो CS1 में व्हाट यू कैन डू इज तुम दो तीन टॉपिक्स पढ़ो. लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ये तुमने CS1 में कवर कर लिया, इसका R भी कवर कर लिया, इसका प्रैक्टिस भी कर लिया. तो ये वाला जब तुम्हारा खत्म हो जाए तब तुम उसके बाद CB1 में जाओ एंड उसमें तुम 3-4 चैप्टर कवर करके उसका सम्स वगैरह सब अच्छा से कर लो. तो इस तरीके से तुमको प्लान करना है. तो अगर तुम इस तरीके से प्लान करेगा तो क्या होगा पता है तुमको, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है एक दिन में. जैसे 4 घंटा खराब टाइम नहीं है, बट तुम जब फ्लो में रहेगा ना तो क्या वो एक दिन में तुम सेम चीज करो. अब मान लो तुम 5-6 दिन CS1 पढ़ लिया, अब तुमको लग रहा है कि अब हल्का हमको चेंज चाहिए, टेक अप CB1 एंड संडे तुम्हारा सेंस ऑफिस नहीं रहेगा तो संडे को कुछ भी नया मत पढ़ा करो. संडे इज द टाइम जो तुम पूरा वीक में जो भी पढ़ा तुम उसको पूरा अच्छे से रिविजन करो. ट्रस्ट मानिए मेरा बात का, 4 बार सिलेबस को कवर करने से कुछ भी नहीं होता है. मैंने अगर मान लो किसी फ्रेंड को फोन किया, वो ऐसे तुम वो पूछा कितना बार, बोला मेरा तो 3rd टाइम रिविजन चल रहा, तो घबराइए मत. बोला ठीक है, 3rd टाइम रिविजन देखेंगे ना एग्जाम में कितना आता है. तो अगर कोई बच्चा एक बार भी उसको अच्छे से पढ़ रहा है, लाइक संग संग रिविजन करना इज सो मतलब इतना अच्छा चीज है ना, मतलब तुम लोग को एग्जाम टाइम में पूरा वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा. मतलब जो चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं. तो संग संग उसको रिविजन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक हफ्ता के बाद तो तुम क्या पढ़ा है तुमको याद ही नहीं रहेगा. मतलब मान लो आज कुछ पढ़ा है और उसको तुम एक हफ्ता बाद रिविजन करो, तुमको हार्डली कुछ उसमें याद होगा. संग संग रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर तो CS1 में लाइक लाइव क्लासेस के साथ करूं या वो जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी कर लूं? तो प्री रिकॉर्डेड लाइक वो बोल दिया ना कि आप वहां तक कर सकते हो, कोरिलेशन रिग्रेशन तक आप कर सकते हो. एंड इन दिस वीक आई विल बी डूइंग ऑल द सम्स क्लासेस टिल योर कोरिलेशन रिग्रेशन, मतलब CT3 वाला पूरा हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है? तो वो चीज है. योगिता. यस भैया, जैसे अभी CS2 प्रिपेयर कर रही हूँ एंड CB1 लास्ट टाइम रह गया था मेरा, तो अभी CS2 कर तो रही हूँ बट फिर जाके वही डर लग रहा हल्का सा कि CB1 का संग में लूँ या नहीं लूँ, वही चीज का लग रहा है. CB1 ले लो. तुम CB1 के लिए बेस्ट चीज क्या फॉलो कर सकती हो, मैट को पढ़ो ही मत अब की बार, ठीक है? एक बार पढ़ चुका है ना तो उसको एग्जाम के मैट में रिविजन कर लेना. CB1 के लिए व्हाट यू शुड डू इज CB1 के लिए जो कंपाइलर मैंने बनाया है मेरा, तो वो कंपाइलर को क्या करो उसको बस खाली रिविजन करती रहो, बार 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 उसको रिविजन करती रहो, माने खाली सम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो वो जो कंपाइलर है उसका जैसे स्टार्ट करो तुम September 2019 से, वो वाला पेपर खत्म हो गया April 2019, वो वाला पेपर खत्म September 2020, April 2020, September 2019, इस तरीके से. तो अगर तुम लास्ट का विश्वास मानो, लास्ट का तुम 10 पेपर्स, ठीक है,
कंपाइलर अगर नहीं भी यूज करना है तो तुम लाइक वो प्रिंट निकाल लो क्वेश्चन पेपर्स का, उसमें क्या होगा ना तुम 3 घंटे में पूरा चीज को रिवाइज कर पाएगा। चैप्टर वाइज मत जाओ, पेपर वाइज जाओ, तो 3 घंटे में क्या पूरा एक पेपर रिवाइज कर पाएगा। और जो कंपाइलर में वो तो क्या है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उसके बाद क्या कर सकता है एमसीक्यू सब जगह का प्रैक्टिस कर लो, जितना भी एमसीक्यू दिया है कंपाइलर में दिया है मैट में है, तो जितना भी एमसीक्यू दिया है उसको प्रैक्टिस करो, एक्स असाइनमेंट प्रैक्टिस करो, तो CB1 दो। तो भैया लाइक अभी जनवरी तक, अगर मैं जनवरी मिड तक सोच रही हूँ CS2 जैसे डीजी का जैसे चल रहा है वैसे जैसे डीजी के संग संग कंप्लीट कर रही हूँ, और लाइक जनवरी मिड से अगर मैं CB1 चालू करूँ तो हाँ हाँ बहुत है CB1, आई डोंट CB1 सेकंड टाइम में उतना डरने का कोई बात नहीं है। पेपर्स देखो CB1 का डिफिकल्ट आ रहा है CB1 में, क्योंकि मार्क्स भी उतना नहीं उठ पा रहा है, एंड द मेन पार्ट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे आर गिविंग। जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो CB1 वाज कंपैरेटिवली इजीियर, बट इन ऑनलाइन सिंस मैट से वो लोग कुछ भी नहीं दे रहे, तो CB1 CB2 आर अ बिग टास्क टू क्लियर। एक CB1 में मार्क्स नहीं मेन वो लोग दे रहे उतने अच्छे से, तो वो एक है। बट यस, इतना भी नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, मतलब तो वो चीज है, अगर कोई बच्चा अच्छा से पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ यस, तन्मय डेमले। हेलो सर, एक्चुअली मैंने CS1 चालू किया था नवंबर में, हाउएवर क्या हुआ कुछ गैप के कारण मेरा कुछ कंक्रीट वर्क अभी तक हुआ नहीं है, जैसे कुछ होता है फिर कुछ गैप आ जाता है और वो रह जाता है। तो बट अभी कैसे जैसे लाइक अभी 20 दिसंबर है एंड लाइक अभी सेम एग्जाम हमारे चालू होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, इसलिए मैं थोड़ा उसको टाइम देना चाहता हूँ, मतलब पूरा पैटर्न समझने के लिए कि किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी है, कितना टाइम देना जरूरी है ताकि फटाफट हो जाए। बट हाउएवर मैक्स कोई भी हालत में 12 जनवरी तक मेरे सेमेस्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद मेरे पास 15 जनवरी अगर अपन एक लाइक राउंड फिगर पकड़े 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक 12 वीक्स पढ़ते हैं, जिसमें आपने कहा था कि फेब्रुअरी तक कोर्स खत्म करना चाहिए, तो 6 वीक्स मेरे पास है कोर्स खत्म करने के लिए, 6 वीक्स है रिविजन के लिए, मेरे पास 7 to 11 मेरा कॉलेज रहता है, उसके अलावा मेरे पास पूरा दिन फ्री है। अब आप बताइए कि आपने उस दिन कहा था कि मुझे CB1 जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, ठीक है। तुम जनवरी मिड में CB1 ले लेना, जनवरी मिड से तुम CB1 हर रोज 2 क्लास करके देखोगे तो तुम्हारा फेब्रुअरी एंड तक CB1 भी हो जाएगा और तुम्हारा CS1 भी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास 1.5 महीने रहेंगे रिविजन के लिए, तो वो भी करना। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि तुमको लाइक CS1 का जो डेट है और CB1 का जो डेट है वो बहुत ही लविंग है, क्योंकि बीच में काफी एक अच्छा गैप है, तो उसको भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो वो चीज है। ठीक है सर, तो 2 लेक्चर CB1 एवरी डे, बाकी CS1 रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। अदिति, यस अदिति। हाँ भैया, CB1 और CS1 देना है तो एक दिन में आर्ट्स और थ्योरी और CB1 तीनों करे क्या, एक और कुछ करने का नहीं है? देखो अदिति, सिंस तुम्हारा CS1 पहले से भी थोड़ा बहुत कवर्ड है तो आई गेस तुमको CB1 अभी लेना चाहिए, एंड यू शुड नॉट फील, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली बोल रहे कि तुमको डर नहीं लगना चाहिए, यू शुड बी कि मेरे से को तो करना ही है, बिकॉज इफ यू सी इन दिस अटेम्प्ट यू आर जस्ट स्टडीइंग CB1 एज अ न्यू पेपर, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट टेक द क्लासेस एंड यू स्टार्ट, एंड एक दिन में तुम 2 क्लास करो और उसको रिविजन करो, एंड CS1 जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलाओ। फॉर द नेक्स्ट 45 days टिल जनवरी एंड, गिव इक्वल एफर्ट्स इन बोथ CB1 एंड CS1, सो यू विल क्लियर CS1, आई मीन यू विल कंप्लीट CS1 एंड CB1 बोथ बाय जनवरी एंड। ओके, सुनाया? हाँ। और कोई है जिसको लाइक पूछना है कोई भी चीज दो पेपर रिलेटेड, कि किस तरीके से पढ़ाई करें, बैलेंस करें? यस शिवा। सर लास्ट टाइम लाइक मुझे अभी CM1 एंड CB1 देना है, CB1 मैंने एक बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, लेकिन CB1 यस सर। ओके, हाँ तो लास्ट टाइम मेरा CB1 रह गया था एंड आई ट्राइड इट विदाउट कोचिंग, सो सर अभी मतलब शुड आई ट्राई फॉर CB1 और शुड आई कंटिन्यू विद CM1? नो, लाइक आई गेस यू वर प्लानिंग फॉर CM1 एंड CM2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो सर, CM1 एंड CB3 दिया था मैंने जो क्लियर हो गया था। अच्छा, लाइक CM1 अभी आपको कितना बच गया? और अभी CT5 है सर। CT5 बच गया पूरा? यस सर। ओके, तो यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर CB1। ओके, बट द पॉइंट इज सिंस आई, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ना? नो सर, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड।
Okay, okay. You are. I did my graduation in stats. You did your graduation in statistics, and currently you are working. Yes, sir. In which? Where are you working? In non-natural field only, sir. Okay, okay. So, like, what is the work requirements? Like, how much hours are you at work? I'm at work from 9:30 to 6, sir. Okay. And in 11, 12, you had science or commerce? Commerce. Commerce. Okay. So, like, see, since in BCom you're not having that taxation and all, so I am a bit worried about your concepts in CB1. How much did you score the first time? I scored 53, sir. 53. So I'm a bit worried about your concepts and everything. But I think if you give in this attempt, CB1 and CM1, the dates are very much favorable. Because 12th and 13th, you are having CM1, and 21st, you are having your CB1. So there is a lot more of gap which you can utilize and give both. Since CM1 also you have completed half, and you are not a new player in CM1 since you took the classes a long ago. So at least whatever you have studied, I guess you have done it really well. And CB1 also is not new to you. So giving a shot is not, I don't think so, it should be much of a problem. But yes, for you, I will recommend you should go like aap dono simultaneously kariye. And if you have the time to take classes, it will be really good, because the kind of questions which they are asking, like, see, there are few underrated papers. Previously, they were very easy to clear. For example, CT2, CT7, like you have heard some seniors or something that, yes, it is very easy to clear. You can just study for 1 week. Previously, these things used to happen, but the kind of questions, even this term, I attempted 100% of the paper, and trust me, there is nothing wrong in my paper, but still I have scored 73 in CB1. So the main point is what you are expecting. And this is not only for CB1. It is true for CB1 and SP papers as well, because it is all analytical questions and your point should match to their points. Okay, so they have just given a line, for example, management buyout. If you remember in CB1, they have just given a page in leverage buyout and management buyout. And last time they gave us practical case study oriented sum of 20 marks. So it is not possible at the time to just make a 20 mark answer from that one page with that limited information. So that is why you need to have a very broad sphere of CB1 to clear that paper. ओके तो आपका सजेशन है कि मैं वो कोचिंग लूं सर एक बार अगर आप मेरे हिसाब से लाइक सी मेन पार्ट इज कंटीन्यूअस फेलियर्स एंड स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी मेन पॉइंट इज यू आर वर्किंग एंड यू डोंट हैव टाइम सो यू नीड टू सेव योर टाइम सो व्हेनेवर यू टेक द क्लासेस यू नो यू हैव 50 क्लासेस 60 क्लासेस टू वॉच एंड दैट इज इट सो यू नीड यू कैन जस्ट इजिली प्लान दैट यस इफ आई वॉच वन क्लास एवरी डे You can complete it in 2 months, and then 1 month you can practice it. So this is how your target should be, because now you're not a student. I would rather, since a student who starts from class 12, by the time he comes to third year, maybe a graduate, he already has maybe 7 or 8 papers. So for you, the most important thing today is time. So until and unless you don't clear 9 or 10 papers, you should stick to the classes, because that will help you to prepare in a time-bound manner. Like maybe for example, I'm telling you like CP3. CP3 is a paper which can be studied on self, but it will take you a lot of time. There are managers like my students, those who are in PwC, Willis Towers Watson, their managers are also finding it very difficult to crack that paper. ऐसे आप देखेंगे उसमें कुछ भी नहीं है, English grammar है. बट वो किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, आपको जब तक पता चलेगा तब तक आपके एक दो अटेम्प्ट उसमें निकल जाएंगे. तो वो चीज है. ओके, यस, मुदित, मुदित गुप्ता, यस सर. आई एम गिविंग CB1 एंड CM1 इन अप्रैल, एंड आई जॉइन CB1 जस्ट फ्यू डेज अगो. सो हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू बोथ सब्जेक्ट? CM1, I guess you have covered almost half. Yes, sir. So you should allot both the subjects equal time till January end. Okay, since you don't have anything right now, you should allot both the subjects equal time till your
January end, and then once you complete CB1 and CM1 both by January end, then you can just revise both the papers and give mocks. So I should regularly study both subject each day. Because you are a student, you don't have much to do. So. Okay, sir. Yes, Shrest. Sir, तो मैं CS2 और CB2 देने का मैं सोच रहा हूँ. तो इसमें allotment और मतलब timeline कैसे करूँ? Allotment जैसे. You are planning to give CS2 and CB. I guess तेरा CS2 almost cover हो चुका है. As far as I know, let's say suppose you are 70% done with CS2, so that 30% and CB2. For me, अभी तो CB2 और CS2 को equal time दे, मतलब तेरे को दो class CB2 का हर रोज देखना है, and बाकी तो उतना ही time CS2 को दे, ठीक है? Same schedule करेगा, January end तक तेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, और फिर तू दोनों को revision कर mocks दे, इस तरीके से January end तक दोनों को equal time allot करके पढ़. तो अभी मैं ले लूँ ना CS2, CB2. मैं तेरे को तो recommend किया था कि तू CB1 और CB2 दोनों दे सकता है, because like देख तेरे से वैसा नहीं है, because तू कर सकता है वो चीज, इसलिए तेरे को recommend किया. इस टाइम अनुष्का है, अनुष्का ने like CS2, CB1 और CB2 तीनों clear किया है, अनुष्का बहुत अच्छे से हुआ है मतलब. तो तू अगर करेगा तो तेरे से हो जाएगा मतलब, वो कोई बात नहीं है. तो बट अगर CB1 और CB2 दोनों लेना होएगा तो फिर, बट अभी तो चालू CB2 से करूँ ना, या फिर मतलब दोनों साथ में लूँ, कैसा करूँ वो? नहीं तू एक एक करके कर, देखो जैसे देख भाई टाइम एक्चुअल में उतना ही है. तेरा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि तू टाइम वेस्ट नहीं करता है, तो तेरे पे इतना भरोसा है तो तू एक एक करके भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तू पहले CB, तेरे को जिसमें कॉन्फिडेंस लग रहा है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि यस आई एम एबल टू डू बोथ, जो कि तू कर सकता है सिंस अभी तूने रिसेंट में दो पेपर्स किए एंड तेको तूने लाइक अप्रैल अटेम्प्ट के लिए दोनों पढ़ा था एज फार एज आई नो, फिर तूने 6 महीना पूरा रिविजन ही किया है, तो उसके लिए कोई देखो कितना कितना आया था दोनों में. मैं एक में 78 आया, एक में 68 आया. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से कर लाइक तेरा. तू पहले अभी CB2 ले ले, ठीक है? इनकेस अगर तेरा CB1 मिस भी होता है तो CB2 एंड CS2 का डेट हल्का फेवरेबल है, तो तू पहले CB2 ले ले, एंड फिर उसके बाद में तेरे को जनवरी मिड तक जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर तू CB1 कर लेना, इस तरीके से कर. ठीक है, ओके. यस, हाँ ईशा बोलो. या भैया, मेरा CT 1-7 क्लियर्ड है, एंड अभी मुझे CM2 तो देना ही है. हाँ. मुझे स्क्रैच से शुरू करना है CM2. मैंने काफी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था तो वो अब मुझे ऐसा सच याद नहीं है, तो मुझे फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम थिंकिंग टू अपियर फॉर एन SP पेपर, SP2. प्लीज डोंट. मैंने पढ़ाई शुरू की, कर चुकी हूँ एक्चुअली. SP2. Yes, life insurance. Isha, what I will recommend is, आप SP2 के आपने कितना chapters पढ़ा है उसमें? मैंने भी 4 ही किया. Five actually. Don't do it because आपका CM2 काफी time से pending है. तो मेरे हिसाब से पहले आप CM2 अभी पढ़िए, ठीक है? And अगर आपको लगता है कि आपके पास में time है, in which software do you work in your company? SQL है and Renova, दो use होते हैं. So are you well acquainted with Excel? Yes, yes. हाँ, तो if you feel that yes you have a lot of time, then I guess you should go for CP2. Okay, if you are good with Excel, or CP3, if you have a good hold on your language, English or because writing skills. So SP2, I don't think so it is recommended with CM2, because I'm telling you very honestly, tum log se kuch chupa hua nahi hai, like the maximum number of failures that we see is in CM2. CS2 jyada difficult hai, but CM2 mein jis level ke questions aate hain wo exam mein crack karna thoda difficult hota hai. To abhi aap mere hisab se khali CM2 pe focus kariye, kyunki CP2 aur CP3 jaisa paper hai na, वो क्या है कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपका आराम से वीकेंड्स में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा. तो अभी आपके लिए जनवरी एंड तक तो कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है, आप जनवरी एंड तक खाली CM2 पे फोकस करिए. राइट, CP2 आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर क्या होगा ना, CM2 जो है अगर आप ये
आपको अटकाने लगा ना तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा. तो यू शुड बी ऑफ द फीलिंग कि यार इसको पहले खत्म करो. आप जब एसपी सीरीज का पेपर्स पढ़ोगे ना, लाइक आई हैव आल्सो स्टडीड एंड आई फ्लंक्ड इन दैट, तो एसपी सीरीज का पेपर पढ़ने से आपको जब आप उसका मैट पढ़ते हो, यू शुड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज द कंटेंट इज वेरी मच सिमिलर टू योर वर्क और समथिंग. बट व्हेन यू गिव द एग्जाम द पेपर इज सो जनरल दैट यू विल फील कि मैं इसमें क्या लिखूं. So, and it is really difficult to crack those papers. So, mere hisab se, you should go for CM2 as of now. And yes, a smaller paper is very much like aapko recommended hai, if CP2 and CP3. Any one of that. Theek hai, okay. Okay. Thank you. Yes, Vibha. Sir, to mera, abhi I haven't given any papers at all. But because I had missed two terms, आपने बताया था कि I can give CM1 and CS1 in April. But दोनों बहुत lengthy papers हैं and even if I'm giving time, I give on an average about 6 hours. Video और फिर I think an hour कुछ revision के लिए. तो फिर भी I am not able to cover syllabus. मेरा plan था कि at least Jan mid तक I want to finish CM1 and CS1 at least. अभी आप कहाँ पे हो दोनों में? CS1 में point estimation तक हो गया है. और CM1 में CT5 का basic concepts starting के 6 videos हो गए. तो it's quite good coverage that you have done. Now till January end, you are having time to do freely both the papers with equal efforts. January end, we will decide that whether to give one or two. Okay. So if you are enough confident and you are moving ahead with confidence by January end, you will feel that yes, I can give both the papers. Okay. आपका मन का वो जो कटर है आप उस पर हाँ बोलिए. हाँ तो जैसे अभी दोनों का साथ साथ में I should give like say 4 hours CM1 4 hours CS1 ऐसा 4-4 का नहीं है. आप मान लो कोई दिन CS1 मतलब वही हाँ मतलब वही मतलब आप अगर कोई दिन CS1 ज़्यादा पढ़े CM1 कम पढ़े उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब. ओके जी ओके थैंक यू. यस मयंक. हाँ मयंक बोलो. So, Mayank, और कोई है जो हैंड रेस करना चाहता है प्लीज आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ मैं सर. हाँ हाय लवण्या बोलो. सर मुझे वही पूछना था कि मैं CM2 में स्टार्ट कर रही थी, इनिशियली 2-3 वीडियोस ही मैं देख पाई हूँ एंड CT7 मेरा इस बार क्लियर हो गया है एंड साथ में मुझे CT2 दैट इज CB1 तो मैं प्लान कर रही थी कि कैसे प्लान करूं एंड आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड के हो पाएगा. मैंने काफी पहले जब आप से क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने तब देखा था, बीच में मेरे पास थोड़ा गैप आ गया वर्क के वजह से, तो मैं उसको मैनेज नहीं. आपने अभी कितना लाइक 2-3 वीडियोस ही कवर किए हैं कि लाइक उसके बाद भी आपने कुछ किया है? नहीं मैंने सिर्फ 2-3 वीडियोस ही कवर किए. नहीं आप खाली CM2 दीजिए आप खाली, बिकॉज़ मैंने एक चीज बोला ना लाइक आप ये चीज समझिए, इससे ये पता चल रहा है कि आपको वर्क का प्रेशर है and you are engrossed in your work. So I don't think you should give any paper apart from Alexi. आपका वो जो है like आपको काफी वो लग रहा है मतलब time लग रहा है portions cover करने में, उसका reason work है that I can understand. But आप ये देखिए कि आपने last 2 months में कितना cover किया है. आपने सिर्फ 3 videos या फिर 4 videos cover किए हैं. तो पहला बात तो आप अगर इस पेस से जाएंगे तो आपका अगले साल तक भी खत्म नहीं होगा. बिकॉज सी वंस यू आर प्लानिंग टू गिव अ पेपर यू शुड बी लाइक मेरे को इसके लिए टाइम अलॉट करना ही है, करना ही पड़ेगा.
मतलब आज ये बोल रहे ना आप, मैं सब चीज समझ रहा हूँ. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा वर्क जो है, हम लोग का सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फोन में काम है. बट देर इज अ स्लॉट विच आई हैव मेड कि उस समय कोई भी स्टूडेंट कॉल करेगा मैं उसको फोन नहीं उठाऊंगा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो. तो ये जो चीज है ना, ये आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो आपके वर्क से, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा. आई नो एवरी वन नीड्स अप्रेजल. आज मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अगर मैं 1 घंटे कॉल अटेंड करूंगा तो हो सकता है वो सामने वाला मेरे पास एडमिशन ले ले. तो दिस फीलिंग विल नेवर गो. दिस फीलिंग इज ऑफ ग्रोथ कि हाँ, अगर मैं कंपनी का सारा काम बहुत अच्छे से करती हूँ एंड डेफिनेटली मेरा ग्रोथ एंड ऑल एवरीथिंग इज फाइन. बट अगर आप वो 2 घंटा या फिर 3 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, देन आप वहीं रुक जाओगे. हाँ जी. एंड आई डोंट नो इफ यू रियली नो द डिफिकल्टी ऑफ CM2, बट आई गेस यू आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव इन अप्रैल. मतलब वो चीज बिल्कुल मत करिए. अभी से भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, लाइक मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आज से भी अगर आप डेली 3 घंटा निकालते हैं, आप श्योर श्योर पास हो जाएंगे. मैंने कोई डाउट ही नहीं आपका पास होने पे. बट अगर आप सेम वे में कंटिन्यू करोगे, एंड ट्रस्ट मी, आप जब एक बार फेल हो जाओगे ना, फेल इंसान ऐसे नहीं होता. फेल कैसे होगा, मान लो आप एग्जाम अपियर किए अप्रैल में, आप वो 3 महीना वेस्ट करेंगे जब तक आपका रिजल्ट आएगा, बिकॉज आपको कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा. उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, यू विल हैव सो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर CM2, वो साइकिल चलते रहेगा. तो उस साइकिल को मत आने दीजिए. ठीक. ओके. थैंक यू. यस इशिता. हाँ भैया, जैसे मेरा अभी CT5 हाफ पे हो गया है. हाँ. और CB2 दे रहे, तो फिर वही जनवरी एंड तक का टारगेट रखना है. कोई दिक्कत नहीं है इशिता, तुमने तो लाइक पहले एक बार दिया हुआ है CM1, तो फॉर यू देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तुम इक्वल एफर्ट्स के संग दो, CB2 को भी एंड CM1 को भी, तुम इक्वल एफर्ट्स के साथ कंटिन्यू करो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको. तुमको जनवरी एंड तक पूरा वो चीज हो जाएगा. ठीक है. और वर्ड कैसे प्रैक्टिस करने वाले जनवरी एंड के बाद से? मैं सारा नहीं, मैं वर्ड का वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सारा इंटीमेशन आएगा कि हाँ आपसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वर्ड का तुमको कोई इशू नहीं होगा. ओके ठीक है. ठीक है. हाँ अक्षर जैन बोलो. हेलो. हेलो. हाँ सर, मैंने अभी मेरा CT1 कंप्लीट हो चुका है अप्रोक्सीमेटली CM1 का, एंड उसके अलावा मुझे CS2 रिपीट करना है. तो उस रिपीटेशन में मेरे को बस ये डाउट, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से उसको दोबारा पिकअप करूं और किस तरीके से वो पेस डेवलप करूं. अभी तुम पहले CM1 ही करो फॉर द नेक्स्ट 1 month अप्रोक्सीमेटली, टिल जनवरी में तुम खाली CM1 पे फोकस करो. ठीक है. एंड CS2 तुम स्टार्ट करना उसके बाद. ठीक है. तुम्हारा क्या होगा ना, CM1 जब पेपर पूरा कवर हो जाएगा तो एटलीस्ट तुमको लगेगा कि हाँ मेरा दोनों पेपर कवर्ड है. तो तुमको अभी एकदम पूरा मेहनत करना है जोर शोर से, और तुमको CM1 पूरा एकदम टारगेट करना है. उसके बाद में इक्वल एफर्ट्स इन बोथ CS2 एंड CM1, दोनों का डेट्स काफी फेवरेबल है इसलिए तुमको रिकमेंड किया गया है. एंड यू हैव ऑल्सो टेकन CS2 रिव्यू क्लासेस, तो उसके बाद से तुम एकदम आराम से करना CS2, धीरे धीरे हौले हौले करके विदाउट एनी प्रेशर इन योर ब्रेन. इक्वल एफर्ट्स टू CS2 एंड इक्वल एफर्ट्स टू CM1, दैट्स इट. एंड सर मेरे को थोड़ा सा आर में भी इश्यूज थे, आर मेरा इतना आराम से कर सकते हो, बट नाउ डोंट डू इट, यू शुड स्टार्ट विद जनवरी में. अभी क्या होगा ना, फिर तुम दोनों में अगर फोकस करने लग जाओगे तो तुम्हारा CM1 का पेस हल्का स्लो हो जाएगा, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूं. अभी मैं चाहता हूं कि तुम CM1 पे पूरा फोकस करो. ओके सर. हां शैली बोलो. शैली. यस शैली. हेलो भैया. हेलो. हम CS2 दे रहा है, एकदम टोटली न्यू है, और आज डिसाइड करके CB2 भी दूंगी, मतलब टोटली वो भी न्यू है. हाँ, तो तुम कर सकते हो शैली, तुम आराम से करो. तुम्हारा कॉलेज के अलावा और तो भी कोई काम नहीं है, तो तुम आराम. भैया मेरा कॉलेज हो चुका है. हाँ कॉलेज हो चुका है तो और भी अच्छा है, तुम आराम से CB2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब सो कितने आवर्स हमें, मतलब CB2 को हर रोज, सिंस तुम सेल्फ पे कर रहे हो तो हर रोज 2-2.5 घंटा तुम उसको दो. तुमने हमसे बुक्स ले लिया है तो तुम 2-2.5 घंटा उसको दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तुम करो. ओके ओके. राधिका. यस राधिका. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. CM1 तो कर रहे हैं, लेकिन CM1 में मेरा अभी तक सिर्फ CT1 का पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है. हाँ. और मेरे को CB1 लेना है, लेकिन बस मेरे को यही है कि अभी मेरा पूरा CT5 बचा हुआ है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं राधिका. ये जो तुमको रिकमेंडेशन दिया गया है, दैट इज ओनली ऑन योर पर्सनल रिजल्ट्स. ओके.
सो इफ यू कंटिन्यू स्टडिंग इन द सेम मैनर यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अभी से तुमको क्या करना है, सी एम वन में और सी बी वन में इक्वल एफर्ट्स देने हैं टिल जनवरी एंड. एंड इफ यू कंटिन्यू स्टडिंग इन द सेम मैनर तुम्हारा सी बी वन एंड सी एम वन दोनों जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा. लाइक सी बी वन में तुमको कोई दिन दो क्लास कोई दिन एक क्लास करने से भी चलेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, हाँ, बट आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम बिकॉज तुमको वो मैं जो बोला ना वो जो पैटर्न में ढलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. लाइक वन वीक तुमको शुरू में लगेगा बट वो तुमको लाइक अभी करना है लाइक क्योंकि अभी तुम्हारा हॉलीडेज वगैरह भी है तो लाइक इट विल बी वेरी इजी टू कोप अप विद दैट. सो और कोई है? मयंक बोल रहे हैं ही इज मयंक प्लीज अब मेरे को तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बिकॉज देखना पड़ेगा कि तुम्हारा सी एम वन में कितना हुआ है. कि तुम सी बी वन सेल्फ में बोल रहे हो सेल्फ में तुमको थोड़ा दिक्कत होगा तो इसीलिए. और कोई है निहारिका तुम फिर? हाँ बोलो निहारिका. हाँ, तो मेरे को एक लास्ट डाउट है बस अगर सीबी वन और सीएस वन का अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम तक लाइक आई शुड फिनिश, कितना टाइम मेरे को अप्रोक्सीमेटली रिवीजन के लिए सिर्फ छोड़ना चाहिए? तुम्हारा फेब मिड इज अ गुड टाइम बिकॉज तुम्हारा जॉब भी है तो फेब मिड इज अ गुड टाइम फॉर यू. ओके ओके. अभी से लाइक अगर तुम हर रोज एक वीडियो सीबी वन का तो सीबी वन में आई डोंट थिंक सो 50-60 वीडियो से ज्यादा होंगे एक वीडियो सीबी वन का. CS1 तो तुम जैसे फॉलो करा था वैसे ही करो. तो मतलब तुम्हारा प्रॉपर पूरा शेड्यूल वही है बस खाली तुमको एक घंटा कम वेस्ट करना और एक घंटा कम सोना है तो वो जो दो घंटा का टाइम है तुमको वो निकालना है बस. बाकी तो तुम नॉर्मल जैसे CS1 करा था वैसे ही करो. ओके ठीक है, थैंक यू. और कोई है यहाँ पर जो कुछ पूछना चाहता है? हेलो भैया. हाँ वो पूछना था. हाँ भैया मैं सीएस वन और सीबी वन अप्रैल टर्म में अपीयर करूंगा. हाँ. तो भैया लाइक रूटीन कैसा होना चाहिए? लाइक मंडे से फ्राइडे 9:30 से 4 बजे तक लाइक मेरा वर्क रहता है. हाँ. तो किस तरह से इसको थोड़ा मैनेज करें? एक एक सुबह पढ़ो और एक आने के बाद पढ़ो. सुबह वाले टाइम में तुम पढ़ो तुम्हारा सीएस वन और जो शाम वाला टाइम है उसमें तुम सीबी वन पढ़ो. तुम जल्दी उठो और जल्दी तो ये तुम्हारा रूटीन होना. लाइक 6 से 8:30 सुबह जो पढ़ेगा वो सी एस वन पढ़ेगा और 6 बजे उठने के लिए तुमको 11 बजे सोना पड़ेगा. तो मान लो तुम 4 बजे थक हार के आया 2 घंटा सोया और फिर तुम सीबी वन पढ़ा बिकॉज सीबी वन तुमने कुछ भी नहीं किया सी एस वन तुमने किया है इसीलिए. हाँ. और वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है आयुष या फिर जो भी लोग वर्क कर रहे हैं. वीकेंड अगर पार्टी कर लिया ना तो फिर एग्जाम में सैटरडे हो जाएगा. तो वीकेंड जो लोग भी वर्क कर रहे हैं वीकेंड तुमको निकालना ही पड़ेगा. शाम को भले ही 2 घंटा चला गया बात अलग है लेकिन तुम सुबह से पार्टी मूड में रहेगा तो वैसे नहीं होता है. यस. और कोई हमारा भाई बंधु जो कुछ भी पूछना चाहेगा यहाँ पर? ओके सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो हम लोग ऐसे करके और भी सेशंस